हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्पिता और तुम लोग देख रहे हो मेरा चैनल अर्पिता पेंटिंग फॉर चिल्ड्रन। तो आज मैं तुम लोगों के लिए जो पेंटिंग लेकर आई हूँ वो है वाटर कलर पेंटिंग, जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं जल्दी ही तुम लोगों को वाटर कलर पेंटिंग में सिखाऊंगी। तो तुम लोगों के लिए मैं वाटर कलर पेंटिंग में लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो पे मैंने अच्छे से दिखाया कि कलर को मिक्सिंग कैसे करना है, फ्लावर को कैसे करना है, लीफ को कैसे करना है, मैं सब कुछ मैंने अच्छे से दिखाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे में पेंटिंग में लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए। ओके, तो देखो मैं कैसे कलर को कर रही हूँ। और वाटर कलर करने के लिए जरूर हैमेड पेपर यूज करना, ओके, और बार बार इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना घर पे, फिर तुम लोग भी कर पाओगे। मेरे चैनल पे तुम लोगों को हर टाइप का पेंटिंग मिल जाएगा, जैसे ऑयल पेस्टल, पेंसिल सेटिंग, कलर पेंसिल, अभी तो मैं वाटर कलर भी दिखा रही हूँ तुम लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि एक टीचर जैसे अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं एकदम पहले से, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी वैसे ही पहले से सीखो। इसीलिए मैंने वो ऑयल पेस्टल का पेंटिंग भी दिया है, तो तुम लोग ज़रूर वहाँ पे जाके सीखो। और मेरा जो दूसरा चैनल है अर्पिता ड्रीम आर्ट, वहाँ पर जाके भी तुम लोग सीख पाओगे। यहाँ पर तुम लोग पहले बेसिक जो सिंपल टाइप का पेंटिंग्स है यहाँ पर है वो पहले सीख लो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हार्डी पिक्चर है, हार्डी पेंटिंग है, तो वहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो, सीख सकते हो। मेरा दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और मेरा अदर जो वीडियोस है उसका भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और तुम लोग चाहो तो मेरा जो दूसरा चैनल है अर्पिता ड्रीमर, वहाँ पर जाकर भी तुम लोग उस चैनल का वीडियोस तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं जीरो साइज का ब्रश यूज कर रही हूँ, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो घर पे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले वीडियो को देखो अच्छे से, उसको एब्जॉर्ब करो, फिर उसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो देखो मैं कलर को कैसे कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं व्हाइट के साथ एकदम थोड़ा सा मैं ब्लू को यूज करके, मतलब मिक्स्ड करके मैं उसको यूज कर रही हूँ, देखो ऐसे ही करके करना होगा, थोड़ा ध्यान से करना होगा, थोड़ा पेशेंस रख के करना होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने इतना स्पीड कर दिया, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। इसको देखो अच्छे से, देख के तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैं ग्रे कलर यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं वन साइज का ब्रश यूज कर रही हूँ और अभी मैं जीरो साइज का ब्रश यूज कर रही हूँ, देखो। थोड़ा थोड़ा करके करना है, सब पपड़ी को ऐसे ही कलर करो धीरे धीरे करके।
मेरे अदर्स वीडियोस भी देखना और कमेंट करके ज़रूर बोलना कि वीडियो को कैसा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे में पेंटिंग्स तुम लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और मैं हर टाइम ऐसे ही सोचती रहती हूँ कि क्या तुम लोगों के लिए मैं नया चीज़ में लेकर आऊँगी जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके। मेरा वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, 4 घंटा लगा था। तो पेशेंस रख के इसको करना होगा। अब तो तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कलर को कैसे करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि पहले आउटलाइन जो है उसको अच्छे से ध्यान से करना है, तो ही तुम लोग बाद में जो कलर भरोगे उसमें तो ही उसमें अच्छे से फील आएगा। ओके। तो पहले आउटलाइन को अच्छे से करो, वो अगर ठीक नहीं होगा तो कलर भी करने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा ड्राइंग भी प्रैक्टिस कर लेना और वीडियो को देखो।